हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ हिंदी का प्रश्न पत्र। और ये है मेरा सेट एफ। सेट से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आता है ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका जो नाभिक जो लिखा जाता है उसका हो जाएगा 9+1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौहार्द। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का मतलब होता है जो जोड़ने वाला, तो योजक चिन्ह यहाँ पे माइनस के चिन्ह को योजक का चिन्ह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो अक्टूबर जो होता है वो एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये एक खास नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सुख शब्द कौन सा लिंग है, तो सुख जो शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी पुलिंग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे है लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है। तो लोगों ने चोर का को मारा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। अगला भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा जो होता है वो होता है तत्सम। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका बाघिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ने भी पढ़ा होगा बाघ का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है बाघिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला जो सवाल आ रहा है उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो उदय शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उदित। उदित जो होता है वो उदय का विशेषण होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पानी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो पानी जो होता है वो एक तरह से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर आप इसको जो है द्रववाचक संज्ञा में भी रख सकते हैं, इसको द्रववाचक संज्ञा अगर बोला जाए तो सही है। अगला है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ हो जाएगा पीत जोड़ अम्बर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, तो संयोग का होता है वियोग। तो यहाँ पे जो है संयोग मीन्स होता है मिलना, अवियोग मतलब होता है बिछड़ना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो छत से उतरी हुई लता किस कारण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपदान कारक का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मयूरभंज उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो लड़का अगर कुछ उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नजम्मा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो इस जो हो जाएगा आपका ढहते विश्वास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का है ये। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी में निगरानी कर रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दलेई बांध की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला सवाल जो आता है वो है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गौशाला की। नेक्स्ट सवाल अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी, तो सुंदर सुशील, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो ये हो जाएगा आपका ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृद्धि का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में।
अगला है मित्र मिलन शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रविवार के दिन। अगला है लेखक रामविलास शर्मा कब और कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, इस पंक्ति को किस पाठ के शीर्षक से ली गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, इसका उनका नाम था चुन्नू लाल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो कवि रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुए थे, तो ये हो जाएगा रसखान जो थे वो थे आपके रसखान का जो है वो थे पठान वंश से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सको, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारी नींद कविता की। अगला है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सवैया और धनाक्षरी। अगला है विरह लीला किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेम घन की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेम घन सर्वस्व। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है आपका युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय की। अगला हम लोग देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था, तो ये हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पत्र को समाजवाद की ओर जो है इसको आकृष्ट किया था। हमारे पास अभी इतना ही प्रश्न उपलब्ध हो पाया, जैसे ही आगे हम लोग को प्रश्न उपलब्ध हो पाता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना देर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।